मेरे लिए एच आर एक्स इज अ प्लेटफॉर्म वेयर आई थिंक आई एम इवन मोर ड्रिवन टूवर्ड्स द चिल्ड्रेन एंड द यूथ. और जिन बच्चों की बात आप कर रहे हो, दोज आर माई that's my goal. That's what that is where I want HRX to make the biggest impact on the children. And I think that is, it's on the cards. And very soon, hopefully, I will put something together for that. HRX Heroes is, this is not just a TV show for me. For me, this is an outstanding series that salutes the hero inside each and every one of us. These nine people and their heart-wrenching, heartwarming stories will inspire you and me and everyone who watches it to find their own hero inside of them, which already exists. Nine incredible superhuman beings, nine amazing HRX heroes. Ladies and gentlemen, can I have a big applause for all of them? और फिर वो किया, ही डिड नॉट गिव अप एंड देन ही वेंट ऑन, बट ही फेल्ड अगेन, बट देन ही ट्राइड अगेन एंड देन ही वेंट ऑन एंड देन समथिंग हैपेंड, द यूनिवर्स गेव हिम वन स्ट्रोक ऑफ लक एंड मैजिक हैपेंड. सो मे बी इन माय लाइफ आल्सो, इफ आई कीप गोइंग ऑन, इवन इफ आई फेल, आई ट्राई अगेन एंड आई कीप गोइंग ऑन. सो दीज आर एग्जाम्पल्स दैट यू नो इवोक दैट होप इनसाइड योर हार्ट, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी इवन मोर when I heard their stories. And that is, I hope, what happens. I know will happen to all of you when you see their stories. Actually, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी हूँ, जो सिर्फ रेसलिंग से हूँ, अगर मेरे नाम के आगे से रेसलर शब्द हटा दो तो मैं कुछ भी नहीं हूँ. और पिछले जैसे मैंने कोशिश किया था, पहले मैं इंडिया के लिए एमेच्योर रेसलिंग खेला हूँ, ये मुझे मौका मिला कि मैं पहला रेसलर हूँ, फिर मैंने प्रो कन्वर्ट किया, कुछ सिचुएशन ऐसी रही, फिर उसके बाद मैंने फाइट पहले किया था, तब मेरे शोल्डर में फ्रैक्चर हो गया था और नोज में फ्रैक्चर हो गया था. तो 3 साल से मैं सही मोमेंट का वेट कर रहा था कि फिर वापसी करूं, फिर कोशिश करूं. और मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों को बोलूंगा ये करो, वो करेंगे नहीं, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ता है. अब मैं चाहता हूं कि ढेर सारे जो एस्पायरिंग बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में आएँ, अपना करियर बनाएं, उनकी फैमिली का करियर बने. तो ये टफ था, थोड़ा डिफिकल्ट था, मगर एक मेरे लिए एक्साइटमेंट थी जो किया. और मैं एक बड़ी फाइट अब फिर करने जा रहा हूँ, तो कम बैक करना थोड़ा सा मुश्किल था, मगर फिर धीरे धीरे कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है, तो वही था. अच्छा रहा ये अनुभव. मेरा पैशन पहले से ये था कि मुझे किसी यूनिफॉर्म फील्ड में जाना था, और ये बड़ी मुश्किलों के साथ मैंने वो कॉलेज में एडमिशन लिया. मेरा यूपीएससी एंट्रेंस क्लियर हुआ. इट वाज लाइक हिस्टोरिकल मोमेंट फॉर दैट कॉलेज कि मेरा नाम पहली बार मिस अश्विनी कानेकर लिखा गया सिंस 1956. इट वॉज अ बिग मोमेंट फॉर दैट कॉलेज एंड फॉर मी ऑल्सो. और हाँ, दिक्कतें आई और वो दिक्कतों को मैंने पॉजिटिवली लिया. मैं चाहती थी कि और दिक्कतें आए, वो दिक्कतों की वजह से मैं और ज़्यादा स्ट्रांग बनती गई और मैं मेरे पैशन से और ज़्यादा करीब आ सकी. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम जिन्होंने मुझे दिक्कतें दी. आई लव देम ऑल, आई लव देम. सर, सबसे बड़ा चैलेंज था इनकी कहानियों का जो इमोशन है उसको ऑडियंस के सामने लाना, बिकॉज दीज स्टोरीज आर इनक्रेडिबल स्टोरीज. सो एज अ डायरेक्टर मेरा सबसे बड़ा चैलेंज था कि एक तो फैक्ट के साथ रहें, बिकॉज हम डिस्कवरी पे हैं जो कि एक ऐसा चैनल है जो इट्स नॉट अ जीसी, वी कांट गो रॉन्ग, एक फैक्चुअली वी हैड टू बी करेक्ट. और दूसरा चैलेंज ये था सर कि इनकी कहानियों से ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, तो वो कनेक्शन जो मैंने कोशिश करी है एंड आई होप आई बीन एबल टू सक्सीड इन दैट, कि इनका जो इमोशन था, इनकी जो स्ट्रगल थी और इनकी जो कहानी है वो 23 मिनट में हमने बताने की कोशिश की है, और एक इमोशनल कनेक्ट ऑडियंस से हो जाए, बिकॉज दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन ऑल देयर स्टोरीज,
the emotional connect with the audience.